चैनल वेलकम टू अनदर DIY वीडियो। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो क्रिसमस DIY डेकोर पीसेस रहेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था उसी तरह से आज के वीडियो में हम क्रिसमस डेकोर पीसेस बनाएंगे, DIY करेंगे सभी को। तो ऐसे ही एवरी संडे में नए नए DIYs के साथ आती हूँ एंड एवरी डे मैं एक शॉर्ट पोस्ट करती हूँ DIY रिलेटेड। तो अगर आप वो सब मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। एंड विदाउट फर्दर डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस DIY के लिए मैंने एक ब्राउन कलर का पेपर लिया है एंड एक थिन कार्डबोर्ड शीट पे मैंने क्रिसमस कुकी जिंजर ब्रेड कुकी का कटआउट कट किया है एंड इसको मैं इस ब्राउन कलर के पेपर पे ट्रेस कर रही हूँ एंड देन इसको मैं सीजर के हेल्प से कट कर दूंगी। एंड इसी तरह के मैंने बहुत सारे कटआउट्स बनाए हैं। देन यहाँ पे मैं व्हाइट कलर के जेल पेन का यूज़ करके इस पर डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, इस पर आईज़ बना रही हूँ, स्माइल बनाऊंगी, हैंड्स एंड लेग्स में भी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। बहुत इजी है ये बनाना। एंड इसके बाद मैं इसके बटन्स बना रही हूँ और एक बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से मैंने बहुत सारे बनाए हैं, लगभग 8 बनाए हैं मैंने। अब इसको हम साइड में रख देते हैं एंड यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का धागा लिया है, इसका मैं 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके कट कर रही हूँ। इस तरह से बहुत सारे थ्रेड्स को मैंने कट किया है एंड देन यहाँ पे मैंने ये जो जिंजर ब्रेड कुकीज़ का जो हमने कटआउट किया था इनको मैं उल्टा रख के थ्रेड से अटैच कर रही हूँ, ग्लू गन से थ्रेड लगा रही हूँ और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्राउन पेपर लगा रही हूँ जिससे वो सिक्योर हो जाए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये देखो इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी के सब भी मैं अटैच करूंगी, कंटिन्यू अटैच करती जाऊंगी, ग्लू गन से अटैच करके उस पर छोटा सा ब्राउन पेपर लगाना है एंड हमारा ब्यूटीफुल सा जिंजर ब्रेड कुकी गार्लैंड रेडी हो गया। तो इस DIY के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, थोड़ा सा बड़ा है कार्डबोर्ड एंड इस पर मैंने लेटर M ड्रॉ किया है, ग्रिड्स बना के ड्रॉ किया है। ग्रिड्स बना के कोई भी लेटर ड्रॉ करना इजी हो जाता है। इसके बाद इसको मैं कट कर रही हूँ, कटर की हेल्प से कट कर रही हूँ, आप सीजर का यूज़ भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये लेटर M कट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं रेड कलर की फोम शीट ले रही हूँ, ग्लिटर फोम शीट ले रही हूँ एंड लेटर M जो लिखा है, M जो कट किया है हमने उसके ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के हमें फोम शीट को पेस्ट करना है। तो इस तरह से मैं पेंसिल से मार्किंग्स बना के ले रही हूँ एंड इसको सीजर से कट कर दूंगी मैं। एंड ये जितना हमें चाहिए था उतना कट हो गया। अब जहाँ पे हमें फोम शीट पेस्ट करनी है वहाँ पे मैं फेविकॉल लगा रही हूँ एंड फेविकॉल को मैं एक छोटे से कार्डबोर्ड की हेल्प से अच्छे से फैला रही हूँ जिससे फोम शीट सब जगह पे अच्छे से चिपक जाए एंड देन इसके बाद मैं फोम शीट को पेस्ट कर रही हूँ। ऊपर और नीचे इक्वल ही मैंने पार्ट छोड़ा है, देन जो बचा हुआ पार्ट है उस पर हम लोग कॉटन स्टिक करेंगे। तो फेविकॉल लगा के यहाँ पे मैं कॉटन लगा रही हूँ। इसी तरह बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं सब पे मैं फेविकॉल लगा रही हूँ एंड देन कॉटन पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद हम कार्डबोर्ड को फ्लिप करेंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा कॉटन है उसको हम कट कर देंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा कॉटन है, और हमारा यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डेकोर पीस रेडी हो गया। इस DIY के लिए मैंने 4 इंच डायामीटर का MDF बेस लिया। आपके पास अगर MDF नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। देन इसके ऊपर मैं जैसे का कोट अप्लाई कर रही हूँ। जैसे का कोट अप्लाई होने के बाद मैंने मोल्डेड क्ले के दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, बिल्कुल थोड़ा सा मोल्डेड क्ले चाहिए हमें। फिर इसके मैं 2 राउंड्स बना रही हूँ, एक छोटा और एक बड़ा स्नोमैन के लिए। देन जो MDF पे हमने जैसो लगाया था वो सूखने के बाद इसके ऊपर हम क्रिम्सन कलर करेंगे, मतलब रेड कलर करेंगे, क्रिम्सन शेड का नेम है एक्रेलिक कलर में। एंड देन यहाँ पे मैं वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ नीचे वाले पार्ट में एंड जो स्नोमैन के दोनों पार्ट थे उस पर भी मैं वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ।
इसके भी मैं दो दो कोट्स दे रही हूँ, स्नोमैन के ऊपर भी और क्रिम्सन कलर के भी मैं दो कोट दूंगी, जिससे कलर एकदम ब्राइट दिखे बिकॉज इट्स क्रिसमस। देन इसको हम पेस्ट करेंगे, जो स्नोमैन के लिए हमने दो राउंड्स बनाए थे उसको मैं पेस्ट कर रही हूँ फेविकॉल से। एंड देन यहाँ पे मैं स्नोफ्लेक्स बना रही हूँ। मैं डॉटिंग टूल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पतला ब्रश नहीं था। आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पतला ब्रश नहीं है तो। आई थिंक टूथपिक ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, ये थोड़ा सा मुझे मैसी लग रहा था बट ठीक है काम हो गया। इसी तरह से एक और स्नोफ्लेक बना रही हूँ, बनाया मैंने। एंड यहाँ पे मैं डॉट्स दे रही हूँ, रैंडमली थोड़े ही डॉट्स दे रही हूँ। एंड देन यहाँ पे थोड़े स्टार्स बनाऊंगी मैं छोटे छोटे। सभी के लिए मैं डॉटिंग टूल्स का यूज करूँ, आप टूथपिक का यूज कर सकते हैं, टूथपिक से और फिनिशिंग आएगी काम में। एंड देन स्नोमैन का काम कंप्लीट करेंगे। अब मैंने स्नोमैन की कैप बनाई है पहले, देन इसके बटन्स बनाऊंगी, आईज बनाऊंगी, नोज, फेस। स्नोमैन में बहुत सारी डिटेलिंग करेंगे हम लोग बेसिकली। इसके नोज में मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, इसके लिए भी मैं डॉटिंग टूल का ही यूज़ कर रही हूँ। देन इसका मफलर बनाया है, मफलर के अंदर मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। देन इस मफलर के ऊपर डिज़ाइन देने के लिए मैं गोल्डन एक्रेलिक कलर से डॉट्स दे रही हूँ। आपके पास गोल्डन नहीं है तो आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसके जो हैंड्स मैंने पहले मार्कर से बनाए थे उसको मैं एक्रेलिक कलर से बना रही हूँ ताकि वो उठ कर दिखे। और यहाँ पे हमारा बहुत ही क्यूट सा डेकोर पीस, स्नोमैन डेकोर पीस रेडी हो गया। तो जैसे कि आपने देखा हमारे सभी DIYs कंप्लीट हो गए आज के वीडियो के। आई होप आपको आज के DIYs पसंद आए हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड रिक्रिएट करो तो मेरे इंस्टा हैंडल को टैग करना ना भूलें। एंड चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग DIY वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइज एंड हैप्पी क्रिएटिंग।